हेलो फ्रेंड्स, अडाणी एजुकेशन एकेडमी आसिंध के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ रहे थे और हमने अंतिम क्लास के अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, और आज का जो हमारा अंतिम टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि 12वें नंबर का है। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहली बात यह है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कहाँ होता है, तो भविष्य काल में किसी समय तक किसी कार्य के लगातार रूप से जारी रहने का भाव हो तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम इस टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि सबसे पहले पहचान हिंदी में, इस टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है, तो इसका इसकी जो पहचान होती है वो होती समय के साथ या समय से रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे जैसे शब्द। अब आगे हम बात करते हैं कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स जो है जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर आता है, सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस फ्यूचर की। अब देखो ये सिंस फॉर का सिस्टम समझना कि सिंस फॉर, इधर देख लेना, सिंस या फॉर प्लस टाइम केवल दिया गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कीवर्ड होती है, लेकिन सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस पास्ट की कीवर्ड हो तो अब ये वाक्य प्रेजेंट करने लगे पास्ट में चला जाएगा। सिंस फॉर प्लस टाइम तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट की कीवर्ड आ गई तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी के साथ अगर फ्यूचर की कीवर्ड आ जाए तो अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो जाएगा। तो सिंस फॉर प्लस टाइम को समझना है थोड़ा सा। उसके बाद में हम वर्ब की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में उपयोग होता है वो होता है सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन का। अब सेल का प्रयोग आपको जैसे पता ही है, आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, और विल का प्रयोग जो होगा वो शेष सभी के साथ, शेष सभी के साथ। और चूंकि यह जो टेंस है यह परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला है, और कंटिन्यू जहां पर आ जाता है वहां पर मेन वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो पहचान वापस देखेंगे कि इस टेंस की पहचान हिंदी में जो होती वो होती समय से रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे जैसे शब्द। कीवर्ड्स सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस फ्यूचर की आएगी इसमें। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, सकारात्मक वाक्य की, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम का उपयोग करेंगे। अब हिंदी वाक्य है, लता सुबह से गाना गा रही होगी। देखिए सबसे पहले क्या रहा, समय से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले हम इसको जमाते कौन है कार्य को करने वाली, लता सब्जेक्ट है, तो लता, अब लता के साथ विल आएगा या सेल, तो सेल का प्रयोग तो आई और वी के साथ किया जाता है, से सभी के साथ विल का, तो लता विल हैव बीन, विल के बाद में हैव बीन जोड़ेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, क्या कर रही होगी, गाना, एक सॉन्ग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, तो लता विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मैं कल 3 बजे से किताब लिख रहा हूंगा, कौन लिखने वाला, मैं, तो आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल हैव बीन, लिखना वर्ब हो गई राइटिंग, अ बुक, कब से, कल 3 बजे से, सिंस 3 PM टुमारो, टुमारो क्यों आएगा, क्योंकि आने वाला कल है, तो आई सेल हैव बीन राइटिंग अ बुक सिंस 3 PM टुमारो,
मैं कल 3 बजे से किताब लिख रहा होऊंगा। फिर बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम का उपयोग, ये इसका सूत्र है। तुम 2 दिन से यह खेल नहीं खेल रहे होंगे, देखो नहीं आ रहा मतलब नकारात्मक वाक्य रहे होंगे, और समय से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, और विल के बाद में आएगा नॉट, हैव, बीन, क्या कर रहे हो, खेलना, प्लेइंग, यह खेल, दिस गेम, 2 दिन से, फॉर 2 डेज, यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग दिस गेम फॉर 2 डेज, तुम 2 दिन से यह खेल नहीं खेल रहे होंगे। हम 2 बजे से कहानी लिख रहे होंगे, वो की वही बात, समय से रहा होगा, रही होगी। वी, वी के बाद में हेल्पिंग वर्ब सेल, नॉट, लिखना, राइटिंग, क्या, स्टोरी, अ स्टोरी, 2 बजे से, सिंस 2 PM, वी सेल नॉट राइटिंग अ स्टोरी सिंस 2 PM, हम 2 बजे से कहानी नहीं लिख रहे होंगे। ये थे दोस्तों अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के, किस प्रकार से इन हिंदी वाक्यों को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बाद बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जो कि 2 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब और WH word वाले होते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले का सूत्र होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सेल ऑब्लिक विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम का उपयोग किया जाता है। अब इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों की पहचान क्या होती है, कि ये वाक्य हमेशा क्या से शुरू होते हैं। क्या सीता कल 4 बजे से समय से रही होगी, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कार्य को करने वाली कौन है, सीता, सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रही, यह कार्य, ऑब्जेक्ट हो गया। करना वर्ब हो गई, 4 बजे से टाइम हो गया, और सीता सब्जेक्ट हो गया, क्या हेल्पिंग। ठीक है, अब इसको जमाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सीता के लिए विल और सेल में से किसका प्रयोग करेंगे, विल का, तो विल सीता, हैव बीन, करना डूइंग, यह कार्य दिस वर्क, विल सीता हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, कब, कल, टुमारो, विल सीता हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 4 o'clock टुमारो, क्या सीता कल 4 बजे से यह कार्य कर रही होगी। क्या मोहन 2 दिन से उपन्यास पढ़ रहा होगा, मोहन के लिए वही बात है, विल, तो विल मोहन हैव बीन रीडिंग नॉवेल, कब से, 2 दिन से, 4 2 days, विल मोहन हैव बीन रीडिंग नॉवेल फॉर 2 days, क्या मोहन 2 दिन से उपन्यास पढ़ रहा होगा। इसी प्रकार आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव WH word वाले वाक्यों की। तो सबसे पहले WH word प्लस हेल्पिंग वर्ब सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग होता है सूत्र के रूप में। सबसे पहले तुम यह कार्य 3 दिन से क्यों कर रहे होंगे, क्यों जो शब्द आ रहा है वो WH word को शो करता है, तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट यू हैव बीन, वाई विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क 3 दिन से, 4 3 days, why will you have been doing this work for 3 days, तुम 3 दिन से यह कार्य क्यों कर रहे होगे। वह 3 बजे से क्या पढ़ रही होगी, तो what, क्या को इंग्लिश में कहते हैं what, फिर helping verb will, see, have been,
रीडिंग कब से? 3 बजे से, सिंस 3 PM। वह 3 बजे से क्या पढ़ रही होगी? तो दोस्तों ये थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हेल्पिंग वर्ब वाला और WH वाले। आगे देखेंगे हम इसका उपयोग कहाँ होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का उपयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज कहाँ होते हैं, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ज्यादा इसमें कोई उलझने वाली बात है नहीं, इसके बहुत कम वाक्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और मिलेंगे तो इसी फॉर्मूले पर मिलेंगे कि सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस फ्यूचर की। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे, मतलब भविष्य में होने वाले किसी निश्चित समय तक जारी रहने वाले कार्यों के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है बाय प्लस टाइम, जो कि अपन ने फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ा था, का उपयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, मतलब बाय प्लस टाइम का उपयोग भी इसमें किया जा सकता है, एज ए कीवर्ड इसको माना जा सकता है। बात यही है कि बाय प्लस टाइम में अगर कार्य हो समाप्त होने का भाव हो तो फ्यूचर परफेक्ट, तथा कार्य के लगातार रूप से जारी रहने का भाव हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय को अभिव्यक्त करने के लिए सिंस की जगह फ्रॉम का उपयोग भी होता है। तो सिंस की जगह फ्रॉम का उपयोग भी करेंगे, लेकिन कब? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि सिंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, या एक ऐसा समय जिसकी गणना करनी पड़ती हो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, द फार्मर खालिस्तान वर्क इन द फील्ड फॉर 2 hours बाय इवनिंग। देखिए 2 घंटे से बाय इवनिंग यानी शाम तक किसान खेतों में कार्य कर रहे होंगे, तो किसान खेतों में शाम तक 2 घंटे से कार्य कर रहे होंगे, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो द फार्मर विल हैव बीन, वर्क का हो जाएगा वर्किंग, ये इसकी वर्ब हो जाएगी। ही खालिस्तान सिंग ए सॉन्ग फ्रॉम 2 PM टुमारो, वह कल 2 बजे से गाना गा रहा होगा। तो ही विल हैव बीन सिंगिंग। अगला देखिए, बाय द एंड ऑफ द मंथ, इस महीने के अंत तक, आई खालिस्तान टीच हियर फॉर 5 years, इस महीने के अंत तक मैं यहां पर 5 वर्षों से पढ़ा रहा होऊंगा। तो कहने का मतलब बाय प्लस टाइम प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम आ रहा है फ्यूचर की कीवर्ड। देखो बाय प्लस टाइम तो हो गई फ्यूचर की कीवर्ड, और सिंस फॉर प्लस टाइम जो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई शैल हैव बीन टीचिंग, वर्ब क्या हो जाएगी? आई शैल हैव बीन टीचिंग। तो ये जो था ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मुख्य उपयोग था, और ये टेंस हमारे समाप्त हो चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे बी फॉर्म और हैव फॉर्म के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।